नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू टॉपिक में जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, हीट ट्रांसफर, हिंदी में कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा स्थानांतरण एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दो पिंडों के बीच ताप में अंतर के कारण ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि दो पिंड हैं, एक पिंड आ गया आपका ए और दूसरा पिंड हो गया बी। तो यदि ए का जो टेम्परेचर है अगर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, जो हीट है वो ए से बी की तरफ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, हीट का स्थानांतरण हो गया, ऊष्मा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो जाती है, इसी का अध्ययन हम लोग हीट ट्रांसफर के अंतर्गत करते हैं। ऊष्मा का ठोसों और द्रव में स्थानांतरण चालन संवहन द्वारा होता है, मतलब कि हीट जो है ऊष्मा है उसमें क्या होती है, ठोसों में क्या होता है, चालन व संवहन द्वारा होता है। तो हम लोग चालन के बारे में जानेंगे कि चालन क्या है और संवहन क्या चीज होती है, तथा खाली स्थान में। अब खाली स्थान ऐसा है कि मान लीजिए कि सूर्य है और हम लोग हैं, तो यदि सूर्य और हमारे बीच में एक कोई एज ए ठोस मटीरियल नहीं है तो क्या होगा, सूर्य की गर्मी हमारे पास तक आ जाती है, वो कहलाता है विकिरण। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हीट ठोसों में कैसे चलती है, लिक्विड में कैसे चलती है, और यदि स्थान खाली हो तो हीट खाली स्थान में कैसे जाती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का एक पिंड से दूसरे पिंड तक आने का एक माध्यम जो कि आपके चालन द्वारा होता है, जिसे कहते हैं आपके कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों माध्यम हैं ऊष्मा के एक जगह से दूसरे जगह तक या एक पिंड से दूसरे पिंड तक जाने के लिए। जिसमें से पहले हम लोग बात करते हैं कि हीट का जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, वह होता है आपका चालन संवहन और विकिरण। तो इसको कहें टाइप ऑफ आर हीट ट्रांसफर। नंबर फर्स्ट आता है आपका चालन, सेकंड आ जाता है जिसे कहते हैं संवहन, और वितरण, ठीक है, ये तीन माध्यम हो जाते हैं जिसे कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये माध्यम है, इन्हीं माध्यम में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक गति करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चालन। चालन क्या है, चालन किसी पिंड के दो भागों के ताप में अंतर के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई छड़ है, एक छड़ ये है, अब क्या किया, इस छड़ का एक सिरा है ए और दूसरा सिरा है बी, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मोमबत्ती की सहायता से इस एरिया को गर्म किया,
ठीक है, तो यहां पर क्या किया, ए पार्ट को गर्म किया, तो क्या होगा, इस छड़ के अंदर जो कि इनके बीच में जो परमाणु है आपस में, यहां पर क्या है, आपस में परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हीट पाकर जो इसके अंदर के जो परमाणु हैं वो कंपन करने लगते हैं। कंपन करने के कारण मतलब इनमें क्या होगा, ऐसे एक टकराव उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन होगा, और इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और यही गतिज ऊर्जा एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक ये ट्रांसफर होती है। तो क्या है कि यदि हम इस छड़ को गर्म करते हैं तो यदि कुछ समय बाद क्या होगा कि इस छड़ का जो तापमान है धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ चला जाता है, जब तक कि इसका तापमान और इसका तापमान इक्वल नहीं हो जाता है। जब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जब तापमान इक्वल हो जाता है तो यह पिंड फिर हीट को छोड़ने लगता है। तो इसको ये समझिए कि यहां पर क्या है, एक छड़ है जिसके बहुत सारे परमाणुओं से इसको मिलके या अणुओं से मिलके बनाया गया है। यदि हम यहां पर हीट उत्पन्न करते हैं तो इन अणुओं के बीच में कंपन उत्पन्न होता है, और यही कंपन धीरे धीरे उसके प्रत्येक अणु के जो समीप के दूसरे अणु हैं वो ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। तो ये पहला तरीका है किसमें, सॉलिड वस्तुओं में या ठोस वस्तुओं में ऊष्मा हमारी चालन विधि के द्वारा होती है। यदि बात करें कि संवहन विधि का कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो संवहन विधि का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली लिक्विड। ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा के कणों की या पदार्थ की वास्तविक गति संवहन कहलाती है। संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में ही हो सकता है, मतलब कि जो संवहन प्रक्रिया है वो आपकी लिक्विड और गैसों में होती है। उदाहरण के लिए पानी के उबलते पानी को गर्म हवा की ज्वाला, मतलब पानी को क्या करेंगे, पानी को उबालते हैं तो पानी को गर्म करने का ऊष्मायन या निकाय या शरीर तंत्र में खून का बहाव इत्यादि। जैसे कि यहां पर क्या किया आपने, एक बर्तन है, उस बर्तन के नीचे आपने यहां पर एक कोई स्टोव लिया या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट लिया जो यहां से ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो नीचे वाले जो अणु हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर क्या होगा ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर वाले जो अणु हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, और यही क्रिया क्रिएट होगी, और यही प्रक्रिया जो स्थल होगी, तो क्या होगा, नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो संवहन का सबसे सामान्य उदाहरण होता है एक बर्तन में पानी को स्टोव या स्पिरिट लेवल की सहायता से गर्म करना। पानी का वह भाग जो गर्म होता है फैलता है तथा कम घनत्व का हो जाता है, मतलब कि जो पानी को गर्म किया जाता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और उत्प्लावन के कारण वह ऊपर की तरफ चला जाता है पानी, और इसका स्थान ठंडा पानी स्थान ग्रहण कर लेता है, मतलब जो गर्म पानी है जिसकी डेंसिटी कम हो गई है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो ऊपर का पानी है जिसकी डेंसिटी अधिक है वो पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, और फिर से यही प्रक्रिया होती रहती है जब तक कि संपूर्ण पानी गर्म ना हो जाए। तो
तो आप समझ सकते हैं कि जो संवहनी क्रिया है वो आपकी लिक्विड और गैसों में होती है। अगर बात करें विकिरण की, तो विकिरण प्रक्रिया जो है वो होती है सूर्य और किसी भी जीव जंतुओं के पास, या फिर मान लीजिए सूर्य की जो गर्मी है हमारे पास जो प्राप्त होती है वो होती है आपकी विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की सतह से बिना पदार्थ के गमन से या गति से ऊर्जा का सतत स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का विकिरण कहलाती है। उदाहरण के लिए सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से आती है। जैसा कि सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग को ठंडी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं, तो धूप कुछ समय बाद हमारे शरीर को गर्म कर देती है। तो ये गर्मी हमें कहां से मिली, सूर्य से मिली, और माध्यम क्या था, विकिरण। तो विकिरण जो माध्यम है वो मोस्टली आपके गैसेस में इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है ठोस, द्रव और गैस, तो इन तीनों माध्यम में ऊष्मा का जो प्रक्रिया है वो हमारी चालन, संवहन और विकिरण, तीन प्रक्रियाओं के द्वारा हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं कि फिजिक्स का जो टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण और ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार आपको सरल और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप विद एग्जाम्पल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, विद फिगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपने ये मोमबत्ती का एग्जाम्पल दिया तो आप इसको भी फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं। एक बर्नर, जैसे देखा आपने एक कोई बर्तन है जिसके अंदर पानी को रखा गया है और नीचे बर्नर या स्टोव की सहायता से इस पानी को गर्म किया गया, या फिर एक सूर्य और इस सूर्य की जो गर्मी है वो किसी ह्यूमन के पास पहुंच रही है, मतलब इसकी जो सूर्य की जो हीट है वो ह्यूमन के पास पहुंच रही है, तो वो माध्यम क्या है, रेडिएशन। पानी का जो माध्यम है वो आपका कन्वेक्शन है, और जो सॉलिड का माध्यम है वो हमारा कंडक्शन है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अपने पास है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।